क्या इन डिज़ाइन पेज मेकर से बेहतर है? इज़ इन डिज़ाइन बेटर देन पेज मेकर? तो देखिए, बहुत ही कॉमन सा सवाल है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, लोगों में ये जिज्ञासा रहती है कि क्या पेज मेकर जो है, इन डिज़ाइन जो सॉफ्टवेयर है, इन डिज़ाइन क्या पेज मेकर से बेहतर है? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछिएगा तो मैं यही कहूँगा कि पेज मेकर से कहीं लाख गुना बेहतर आपका एडोबी इन डिज़ाइन है। और ये क्यों है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, और जो मैं आपको बताऊंगा इससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि पेज मेकर से लाख गुना बेहतर है एडोबी इन डिज़ाइन। लेकिन अगर सवाल उठता है कि लोग आज भी एडोबी पेज मेकर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए लोग जो हैं, अगर इससे मेरा काम चल जा रहा है तो मैं आगे क्यों सीखूंगा, ये कॉमन सा, इसी से मेरा काम चल जा रहा है तो मैं हायर वर्सन क्यों सीखूंगा, इसी से काम चला लेते हैं। तो आज भी क्या है, इंडिया के अंदर पेज मेकर 7.0 प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ होता है, और ये जो दोनों सॉफ्टवेयर जो है, इन डिज़ाइन और आपका पेज मेकर, दोनों जो है DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो है, ये दोनों बेहतर है, लेकिन बेस्ट यही है एडोबी इन डिज़ाइन। अब देखिए, तो एडोबी इन डिज़ाइन बेहतर क्यों है पेज मेकर से, ये अब हम मैं आपको बताऊँगा बेहतर क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेज मेकर से। तो देखिए, पेज मेकर का जो लास्ट जो वर्सन आया था वो है 7.0, उसके बाद पेज मेकर का कोई भी वर्सन नहीं आया। अब पेज मेकर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए पेज मेकर में जब भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं, जैसे कुछ डिज़ाइन वगैरह कुछ भी मैंने बनाया है यहाँ पे, जैसे देख लीजिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए जनरली क्या होता है, कोई भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, चाहे वो क्लाइंट का हो चाहे किसी का भी हो, तो उसे हम लोग PDF फाइल में बना सकते हैं या JPG में सेव करते हैं या नॉर्मली सेव करते हैं। तो जैसे ये डिज़ाइन मैंने बनाया है, अगर मुझे किसी क्लाइंट को बोला इस भाई इसे PDF में भेजो या JPG में भेजो या PNG में भेजो, तो क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो सामने वाले के पास भी पेज मेकर 7.0 होना चाहिए, तभी वो PNG में होगा या इस खुलेगा ये पूरा का पूरा फाइल। तो यहाँ पे फाइल में अगर हम लोग जाते हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी डिज़ाइन बनाइएगा आप उसे आउटपुट तो निकालना है, उसे प्रिंट आउट तो करना है, लेकिन अगर मान लेते हैं इसे आप, इस फाइल को अगर आप कहीं दूसरे जगह ले जाते हैं, किसी क्लाइंट को देना चाहते हैं, तब क्या होगा, तब आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, क्योंकि उस वक्त उसके पास हो सकता है पेज मेकर ना हो, उसके पास कुछ और दूसरा सॉफ्टवेयर होगा, हो सकता है वो JPG में मांगता हो, दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ फाइल में अगर मैं जाता हूँ, अब यहाँ पे सेव, अगर मैं इसे सेव करता हूँ, देखिए ये देखिए जो ऑप्शन आएगा, देखिए उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए सेव एज़ पे भी ये सेव किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सेव एज़ करूँगा, तो सेव एज़ देखिए यहाँ पे पब्लिकेशन देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा है, या तो टेम्पलेट में आपको सेव करना होगा, या आपका जो भी जो फॉर्मेट है कॉपी ऑफ 6.5 फॉर्मेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जनरली यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, PMD फॉर्मेट में ही, .PMD में ही आप इसे सेव कर सकते हैं। अगर JPG में कैसे सेव कीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। PNG में अगर क्लाइंट मांग रहा है तो PNG में आप इसको नहीं दे सकते हैं, बहुत दिक्कत हो जाता है। लेकिन वहीं आप देखिए एडोबी इन डिज़ाइन में, अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप मान लेते हैं ये लोगो मैंने बनाया है, इसे मुझे PNG बनाना है या JPG में भेजना है, तब क्या है, देखिए यहाँ फाइल में जाते हैं, देखिए यहाँ पर इसको कर मुझे करना है भेजना एक्सपोर्ट। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्सपोर्ट का इस तरह से एक विंडो खुलता है। अब यहाँ देखिए सेव एस टाइप में देखिए JPEG दिया हुआ है, PNG दिया हुआ है, फ्लैश पेयर, HTML दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए JPG, PNG सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, PDF में भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब आपको क्लाइंट को देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। JPG में दे दीजिए, चाहे आप PNG में दीजिए, जिस फॉर्मेट। दूसरी बात क्या होता है, इस तरह जो कर्व, देखिए आपका डिज़ाइन, क्लाइंट कुछ भी डिज़ाइन मांग सकता है, इस तरह से कर्व डिज़ाइन मांगेगा तो आप दूसरे जगह से लेकर आना होगा, इस तरह से कर्व डिज़ाइन, तो दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा मैं बड़ा करूँगा, जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर, ये देखिए ये जो आपको GS मॉडल स्कूल लिखा हुआ है इस तरह से, अगर मैं ये GS मॉडल स्कूल ऐसे आपको दिख रहा है, अगर इस तरह से आप कर्व बनाने का कोशिश कीजिएगा तो पेज मेकर में नहीं बनेगा। दूसरी बात क्या है, इसमें जो टूल्स हैं, यहाँ जो आपका इन डिज़ाइन के अंदर जो टूल्स देखिएगा, उससे कहीं ज़्यादा टूल्स हैं, ज़्यादा इसमें आपको फीचर्स भी मिलेगा, ऑप्शंस भी ज़्यादा है। अब जैसे देखिए यहाँ पे पेज मेकर में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पेज मेकर में देखिए कुछ ही गिने चुने आपको सॉफ्ट यहाँ पर टूल्स मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको मान लेते हैं कहीं से आपने फ़ोटो लेकर आया, उससे कुछ कलर आपको यहाँ से वहाँ से लेना होगा, तो यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल भी नहीं है, प्लस आपको देखिए ग्रेडियंट टूल भी नहीं है, दो तीन कलर मिक्स करके आपको अगर बैकग्राउंड बनाना है तो आप नहीं बना पाइएगा, लिमिटेड है। प्लस पेज मेकर में दूसरा क्या प्रॉब्लम है, एक पेज अगर लंबा लिया है, दूसरा अगर आप चौड़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा।
तो बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए वही आपका इन डिज़ाइन में अगर देखते हैं हम लोग, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए टूल्स देखिए, एक यहाँ पे देखिए नॉर्मली सिलेक्शन टूल है, प्लस एक और दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इससे हम लोग फ़ायदा क्या होता है, मान लेते कोई लोगो वगैरह आपको बनाना है तो इससे आप कर्व जो बनाते हैं या पाथ जो बनाते हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए और भी पेज टूल दिया हुआ है, पेज टूल पे आप एक पेज को आप चौड़ा लंबा यहाँ से भी इजिली कर सकते हैं, ऑल्ट पकड़ के ये दबा के आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा बात है यहाँ पे देखिए और भी टूल्स हैं, यहाँ बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट का टूल दिया है, ग्रेडियंट का फेदर करने का टूल दिया है, सीजर टूल दिया हुआ है, प्लस पेन टूल भी दिया हुआ है। देखिए पाथ वगैरह बना सकते हैं, लेकिन पेज मेकर में ध्यान से देखिए इसमें ऐसा कुछ टूल्स नहीं दिए हुए हैं। दूसरा बात क्या है पेज मेकर में, अब क्या मान लेते हैं इसमें कुछ शैडो ऐड करना होगा आपको, आउटलाइन ऐड करना होगा, तो यहाँ पेज मेकर में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है जिसमें आप शैडो ऐड कर सकें, ऐसे इफेक्ट दे सकें। अब देखिए वही इन डिज़ाइन में आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऑब्जेक्ट में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं, आप देखिए थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, एक मिनट मैं आपको दिखाऊँगा, क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इफेक्ट्स में अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ड्रॉप शैडो है, इनर शैडो है, आउटर ग्लो है, बेवल इम्बोज है, बेसिक फीचर है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, उससे कहीं ज़्यादा है। उसके बाद आपका पाथ से रिलेटेड आपका फीचर है, पाथ फाइंडर ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, देख सकते हैं। जैसे कोई सी ऑब्जेक्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, काटना होगा बीच से, तो आप काट सकते हैं, लेकिन पेज मेकर में ये पाथ फाइंडर का ऑप्शन नहीं है। प्लस ये आपका यहाँ पर देखिए आपका, उसके बाद और भी इफेक्ट देखिए, इफेक्ट सब में ड्रॉप शैडो, ये फोटोशॉप का इसमें भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। प्लस बहुत सारे आप जब इसमें काम करने जाइएगा, आप मान लेते हैं टेक्स रिलेटेड काम करने जाइएगा, तो उससे कहीं आसानी के साथ आप इसमें काम कर पाइएगा। आप अगर आप उसमें पेज मेकर में मैगजीन बनाने दिक्कत हो जाएगा, आप अगर न्यूज़पेपर बना रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसमें आप इजीली बना सकिएगा। प्लस इस तरह से लोगो बना सकिएगा, फ़ोटो रिलेटेड काम कर पाइएगा। अब ऐसा नहीं है, क्वालिटी भी बेहतर होता है, ऐसा नहीं है इसमें जब एक्सपोर्ट करने जाते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा आपको फीचर्स मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप फाइल में जाते हैं, ये देखिए मैं एक्सपोर्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए आप यहाँ पे मान लेते हैं जेपीजी में देखिए मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट में देखिए यहाँ पे ये देखिए क्वालिटी हाई, यहाँ से क्वालिटी आप हाई कर सकते हैं। यहाँ पे बेस लाइन प्लस रिजोल्यूशन, अब रिजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए रिजोल्यूशन भी यहाँ पे देखिए 2400 तक का रिजोल्यूशन इसमें दिया हुआ, देखिए 1200 का रिजोल्यूशन, 300 का रिजोल्यूशन, लेकिन ये सब ऑप्शन आपको पेज मेकर में नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ प्रॉपर्टीज़ का भी ऑप्शन दिया हुआ, मतलब काम करने से इसमें क्या ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ज़्यादा सहूलियत के साथ काम कर पाइएगा, और प्लस इसमें क्या है इसका जो परफॉर्मेंस है पेज मेकर से कहीं बेहतर है। अगर आपको यूज़ करना होगा तो उससे ज़्यादा आप स्विफ्टली काम कर पाइएगा। प्लस अभी के समय में देखिए अभी क्या है, ऑनलाइन ज़्यादातर जो मार्केट प्लेसेज है, फाइबर है, freelance.com है, तो ये सब जो है आपको जो आपका ऑनलाइन जो प्लेस जिस जगह से हम लोग पैसे अर्न करते हैं जो साइट्स वगैरह में, वहाँ पे क्या है कि क्लाइंट अक्सर आपको बेहतर मांगेगा, वो क्योंकि वो पे कर रहा है। तो आप अगर पेज मेकर से काम करके दीजिएगा तो पेज मेकर का काम कोई नहीं मांगेगा, लेकिन क्या है अगर फॉरेन क्लाइंट्स जो है वो आपको डिज़ाइन मांगेगा, ब्रोशर्स मांग सकता है, आपको बोलेगा जो मैगज़ीन डिज़ाइन करके दीजिए, तो इस तरह का डिमांड बहुत सारा है। आप न्यूज़पेपर डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब इससे कहीं ज़्यादा फीचर्स। आप खुद इसको जब अगर यूज़ कीजिएगा, अगर आपको सही ढंग से यूज़ करना आ गया तो आप पेज मेकर आपके लिए कुछ भी नहीं है। पेज मेकर तो मैं यही कहूँगा कि भैया इन डिज़ाइन जो है पेज मेकर से कहीं बेहतर है, बहुत फीचर्स है। प्लस यहाँ पर सबसे बड़ी बात, दूसरी बात क्या है, यहाँ पर देखिए अगर मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए आपको इसी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए प्रिंट से रिलेटेड जितना है आपको काम करना, प्रिंट चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन इसमें दिखा रहा है। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ से एक पेज लेता हूँ, देखिए लेटर पेज लिया यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका मार्जिन है, ब्लीड डिमांड किया जाता है, अक्सर ब्लीड देना होता है, तो यहाँ पर देखिए ब्लीड का ऑप्शन दिया, लेकिन पेज मेकर में ब्लीड का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, स्लग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। प्लस दूसरी बात क्या है, यहाँ पर देखिए वेब से रिलेटेड कुछ काम करना है तो वेब का भी यहाँ पर आप यहाँ पे पेजेस का साइजेस दिया है। मोबाइल से रिलेटेड काम करना है, मोबाइल का भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसा आपको चाहिए। तो ये सब ऑप्शन जो मिसिंग है पेज मेकर में, ये सब ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा पेज मेकर में।
तो एक ही सॉफ्टवेयर में अडोबी इनडिजाइन में ये सब ऑप्शन मिलता है। आप कभी काम करके देखिए, इस उससे ज़्यादा बेहतर है। और इसका आउटपुट, क्योंकि देखिए डिज़ाइन बनाइएगा तो क्लाइंट आपसे मांगेगा ही कि भाई हमको ये निकाल के दीजिए, इस पीडीएफ में दीजिए, या आपको जेपीजी में दीजिए, या ऐसा करके दीजिए, मॉडिफाई करके दीजिए, थोड़ा सा ये करके दीजिए। तो हो सकता है आपके पास कर्व करने वाला ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा फ़ोटो से रिलेटेड। प्लस दूसरी बात है, फ़ोटो का क्वालिटी जो होता है कभी कभी देखिए बेहतर नहीं आता है फ़ोटो का क्वालिटी, लेकिन यकीन मानिए इन डिज़ाइन में फ़ोटो का क्वालिटी भी बेहतर मिलता है, आपको अच्छा तरह से काम कर पाइएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको अगर आगे निकलना, आगे बढ़ना है तो इन डिज़ाइन का यूज़ करें। अगर आपको पेज मेकर आता है तो और अच्छी बात है। तो मैं यही बोलूँगा आप इन डिज़ाइन भी सीख लीजिए, ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और ये तो मैं हल्का सा आपको बताया, और भी बहुत सारे ऑप्शन आप करके देखिए, बहुत कुछ है इसमें एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर।